सकते हैं। कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरें, और अच्छी ये कि कोविड 19 की जो अब तक मरीज जो मुल्क के अंदर पॉजिटिविटी रेशियो थी वो थोड़ी सी कम होकर यानी सेहतियाबी की शरह में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ जिन लोगों के अब तक केसेस ज्यादा आ रहे थे उन केसेस में भी 4 लाख से तकरीबन आज 7वां दिन है केसेस थोड़े से पीछे जरूर आए हैं, लेकिन नए 3,26,014 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है और गुज़श्ता 24 घंटे ये बताते हैं कि 3,876 अफराद कोविड का शिकार होकर इस दुनिया से चल बसे। यही 24 घंटे जिसमें 3,52,000 तकरीबन 850 के करीब मरीज सेहतियाब भी हुए हैं और ये शरह जो अब तक बढ़ती जा रही है 2,04,26,000 से तजावुज कर गई है जिन लोगों के अब तक सेहतियाब होने की खबरें सामने आई हैं, सरकारी डेटा बताता है। वैक्सीनेशन की जहां तक बात है तो 1,17,00,000 से ज्यादा लोग अब तक वैक्सीन जिनको दी जा चुकी है, और इसके अलावा दो बड़े बयान इस वक्त मुल्क के हालात पर आए हैं। एक WHO की चीफ की तरफ से कहा गया कि जो इस वक्त म्यूटेंट वायरस था या कोविड 19 की दूसरी लहर, ये मजीद खतरनाक साबित होती जा रही है जो अपने अभी तक हर गुजरते दिन के साथ अब तक नतीजे इसके सामने आ रहे हैं। एक ये संगीन नतीज पर एक बार फिर तशवीश का इजहार करते हुए इंग्लैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO जो प्रोफेसर हैं क्रिस विटी, उनकी तरफ से भी कहा गया कि वेरिएंट जो इंडिया के अंदर, हालांकि बर्तानिया के अंदर ये तलाशा गया था, वहां पर इसके इत्तफाक किया था माहिरीन ने कि यहां से शुरू हुआ है, लेकिन लंदन से दिल्ली पहुंचते पहुंचते इसे वक्त नहीं लगा और अब भारत के अंदर अमेरिका, बर्तानिया या दीगर जो यूरोपीय ममालिक है उनसे भी कहीं तेजी के साथ और मजीद तेज स्पीड को इस वक्त पकड़ते हुए ये वायरस आगे जा रहा, जिसकी वजह से 3,75,000-3,50,000 लोग रोज रोज सामने आ रहे हैं। और कुछ दिनों के अंदर तफसीलात ये भी बताती हैं कि कुछ दिनों के अंदर UK का जो अब तक का रिकॉर्ड था उसको ये म्यूटेंट वायरस तोड़ सकता है, क्योंकि इस तरह के जो अब तक शवाहिद हैं वो हिंदुस्तान के अंदर मिले हैं इस वायरस। बिल्कुल, इस